नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके मैंने स्टार्ट किए थे, उसमें आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम रेक्टेंगुलर लेमिना के लिए। और कल मैंने आपको एक रोड के लिए कराया था जिसे आप बार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें, कैलकुलेट यानी कैलकुलेट करना है आपको, ज्ञात करना है क्या द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। और उसने कहा आगे ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना, यानी एक रेक्टेंगुलर का अर्थ होता है आयताकार, आयत के आकार का, है ना। और लेमिना, लेमिना लिखा है प्लेट, लेमिना यानी प्लेट एक तरीके से, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, उसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट, कौन सी एक्सिस के अबाउट, अबाउट एन एक्सिस जो एक्सिस परपेंडिकुलर है टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के यानी इसके सतह के या इसके पृष्ठ के लंबवत है जो अक्ष, उसके परितः निकालना है, परितः यानी चारों ओर। एंड पासिंग थ्रू यानी उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो एक्सिस इस लेमिना के प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर है। मानो लेमिना ऐसे रखा है तो ये एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर है प्लेन के, है ना। और साथ में कहा पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और इसके केंद्र से, सेंटर से होकर जाती है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन तो कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा आसान है और बिल्कुल मेथड थोड़ा सा लगभग उसी तरीके का है। इसमें भी देखो पहले प्लेट बनाएंगे, रेक्टेंगुलर प्लेट लेमिना, और बिल्कुल उसी के जैसा है कल का डेरिवेशन। यदि आपने अच्छे समझ लिया है तो इसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कल का डेरिवेशन भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल उसी के जैसा है। तो आप देखें, एक रेक्टेंगुलर है, आयताकार है या नहीं, तो रेक्टेंगुलर लेमिना है, प्लेट है, और आपको पता है इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो एक एक्सिस ये खींच दो, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली एक बीच में खींच दो, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस हो जाएगी, यानी ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। लेकिन आपको जो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इस लेमिना के कैसा होनी चाहिए, एक्सिस लंबवत होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी यदि लेमिना ऐसे रखा है ना, प्लेट ऐसे रखी है, तो एक्सिस ऐसे होनी चाहिए। तो जिस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है वो एक्सिस बाहर की ओर है, तो यदि हम उसे दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, पीछे की ओर ऐसे, ऐसे तो दिखा सकते हैं क्योंकि भाई 3D डायग्राम की बात हो रही है, तो वो ऐसे दिखा सकते हैं आप उसे। ये क्या है, ये वो एक्सिस है जिसे आप जेड एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इस एक्सिस का आप नाम रख लो, आपको पता है एक्स एक्स डैश, और ये क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश, और आपको पता है ये जेड जेड डैश, ठीक है जी। और ये पॉइंट क्या है, इसका केंद्र है, सेंटर है, ठीक है, बात समझ में आई। और ये भाग क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि पीछे की तरफ है। अब देखो मेथड सारा कल गई है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, सूक्ष्म अवयव मानेंगे जिससे मिलकर बनी है। तो आप मान लो एक सूक्ष्म अवयव है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आप इसका एक एलिमेंट मान सकते हो जिसे आप सूक्ष्म अवयव कहते हैं, स्मॉल एलिमेंट, जिनसे मिलकर ये बनी है प्लेट, ठीक है। तो देखो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स काट काट के निकालोगे, तो कहने का मतलब है ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को जोड़कर ही तो बनी है ये प्लेट, ठीक है। तो ये है आपका स्मॉल एलिमेंट, और इसकी जो विड्थ है वो आप कितनी मान लो, डी एक्स, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, डी एक्स, कल भी तो मानी थी। और हाँ, ये जो लेमिना है, पूरी प्लेट है, इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो मान लो कितनी है, एल है, और इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ, वो कितनी है मान लो, बी, ठीक है जी। और आपको पता है ये जो एलिमेंट मानते हैं, इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी मानी थी कल, एक्स, आज भी कितनी मानो, एक्स, ठीक है। कल की तरह है सारा डेरिवेशन, आप समझ, आपको अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको देखो कॉन्सेप्ट में बता दूँ आपको, पहले इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे लेमिना पूरी प्लेट के लिए आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपको है ना, आपने यही कॉन्सेप्ट अपनाया था लास्ट क्वेश्चन में और यही इसमें अपनाना है। तो देखो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको मास चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, आई बराबर एम आर स्क्वायर, यानी एम क्या है, मास, और आर क्या है, डिस्टेंस, है ना। तो पहले मास निकालो, तो मास निकालने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, मास निकालने के लिए कल मैंने बताया था वहाँ पे यूनिट लेंथ का मास माना था, है ना,
कल मैंने यूनिट लेंथ का मास आपको मान के बताया था, यूनिट लेंथ का मास कल m माना था। तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो ये जो यूनिट लेंथ का मास होता है उसे लैम्डा भी कहते हो आप, है ना। m मान लिया था, लैम्डा मानते हैं, है ना, वैसे। लेकिन मानने के लिए m मान लिया था, आप उस डेरिवेशन में चाहो तो लैम्डा भी मान सकते हो। तो यूनिट लेंथ का मैं लिख देता हूँ, आप इसे कहीं अलग को लिख लेना। यूनिट लेंथ का जो मास होता है ना उसे आप लैम्डा से डिनोट करते हैं, और यूनिट एरिया का जो मास होता है उसे आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, और यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, और एरिया क्षेत्रफल, ये लंबाई, इसका जो मास होता है उसे आप रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और आपने देखा है, यानी ये है लीनियर मास डेंसिटी, ये है सरफेस मास डेंसिटी, और ये है वॉल्यूम मास डेंसिटी, आपने देखा होगा। ठीक है, ये पढ़े होंगे आपने 12th क्लास में, जब आपने चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, आवेश घनत्व पढ़े थे। तो ये रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा होगा, ये पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा होगा, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चार्ज की डेंसिटी नहीं है, यहाँ मास की डेंसिटी है। तो जब यूनिट लेंथ का मास हो, यानी मास डेंसिटी लीनियर हो, लीनियर मास डेंसिटी, तो उसे लैम्डा से लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे चार्ज डेंसिटी को लिखते थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी को जिस प्रकार लैम्डा से डिनोट करते थे, ठीक उसी प्रकार लीनियर मास डेंसिटी को, है ना, द्रव्यमान घनत्व को, रेखीय द्रव्यमान घनत्व को आप लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, और इसी प्रकार सिग्मा, और इसी प्रकार रो। ठीक है, समझ गए होंगे आप कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आज जो मानेंगे इसका एरिया है ना, कल वो एक क्या थी, एक ऐसी रोड थी जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, उसकी ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है वो नगण्य थी, ना के ही बराबर थी, नेग्लिजिबल थी। लेकिन इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, ब्रेथ है ना, वो नगण्य नहीं है, वो काफ़ी है, कितनी मानी, बी। जबकि कल उसकी ब्रेथ के बारे में हमने बात नहीं की थी, तो इसलिए इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो इसमें क्षेत्रफल होगा, इसमें एरिया होगा। तो आज जो मास मानेंगे वो यूनिट एरिया का मास मानेंगे। तो ध्यान देना, यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ध्यान देना, यूनिट एरिया यानी क्षेत्रफल, यूनिट एरिया का जो मास है वो कितना मान ले, रो, वो क्या है, सिग्मा, कितना माने, सिग्मा। तो एक बात देखो, इसका मतलब है मास हमें तब मिलेगा इसका, ये जो लैमिना है, क्योंकि मैंने बताया पूरी लैमिना के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पूरे प्लेट के लिए, तो आप पहले इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे, तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आपको ज्ञात करना है, तो इस एलिमेंट का पहले आपको मास ज्ञात करना होगा। तो इसका पहले मास निकालेंगे, और मास तब निकलेगा क्योंकि हमें यूनिट एरिया का मास पता है, तो हमें एरिया पता चल जाए, तो इसका एरिया, तो हमें इसका मास भी पता चल जाएगा। तो ध्यान देना, तो मैं, है ना, इसकी लैंग्वेज आपको बोल देता हूँ, और फिर मैं इस डायरेक्ट डेरिवेशन को ही करता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लिख लो लैंग्वेज सुन करके, बाकी मैं PDF नोट्स तो आपको दूंगा ही। क्या लिखेंगे, लेट अस कंसिडर ए रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है, ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ स्मॉल b, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या कहना है आपको, ये कहना लेट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, या थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, देखो तीनों एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश, तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, यानी तीनों लंबवत अक्ष हैं, इस पर ड्रॉ की गई हैं, खींची गई हैं। तो लेट थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एक्स डैश कोमा वाई वाई डैश कोमा जेड जेड डैश आर ड्रोन, यानी खींची गई हैं ऑन दिस लेमिना, लेमिना यानी प्लेट, ठीक है। लेट सी बी द सेंटर ऑफ द लेमिना, सी क्या है, सेंटर है, और फिर अब इसकी बात कर लो, ठीक है। तो लेट द एलिमेंट, लेट एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है ऑफ विड्थ डी एक्स, जिसकी चौड़ाई क्या है, डी एक्स है, ठीक है, ऑफ विड्थ डी एक्स, ठीक है। तो बिल्कुल इस इतना लिखें, और हाँ, इसकी जो डिस्टेंस है इस एलिमेंट की वो कितनी है, एक्स है सेंटर से, तो लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम सेंटर सी, ठीक है, बस इतना लिख देना, ठीक है। चलो इसके बाद देखो करना क्या है, आइए मैं डायरेक्ट करता हूँ। मैंने कहा मास निकलेगा, तो मास तब निकलेगा जब एरिया पता होगा। तो देखो ध्यान देना, मैं लिख देता हूँ, देन एरिया, एरिया निकालेंगे किसका, इसका, है ना, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका मास निकालना पड़ेगा, और मास निकालना है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो देन एरिया ऑफ
एलिमेंट, ये एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो इसकी लंबाई, देखो इसकी लंबाई यही तो है, इसकी लंबाई यानी b। तो यहाँ क्या आएगा, लंबाई की जगह लेंथ की जगह b आएगा, और इसकी चौड़ाई, इसकी ब्रेथ कितनी है dx। तो यहाँ क्या आएगा dx। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, एरिया। लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल दिया आपने, एरिया निकाल दिया। अब मैंने आपसे कहा कि सिग्मा जो है ना, ये बी थोड़ा यहाँ से हटाओ, इसे इधर लिख लो, चलो यहाँ लिख लो, है ना। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, सिग्मा पता है क्या है, सिग्मा है सिग्मा बेदा मास। ये मास है, लेकिन कौन सा मास, ऑफ यूनिट एरिया, यानी मास पर यूनिट एरिया है ये, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप सरफेस मास डेंसिटी कह सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा बी द मास ऑफ यूनिट एरिया, तो मैंने आपको समझा तो दिया ही। इधर देखो मैंने कहा यूनिट एरिया के लिए जो मास है वो कितना है, सिग्मा है, और जो एरिया आपने निकाल दिया है बी डी एक्स। तो बी डी एक्स एरिया के लिए जो मास है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बी डी एक्स। तो ये मास निकल गया इस एलिमेंट का। तो सिग्मा क्या है, मास है यूनिट एरिया का। तो देन ठीक है, मैंने बता दिया है मास इस एलिमेंट का कितना हो जाएगा, मास ऑफ दिस एलिमेंट, मास ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, बताओ बोलो, यही तो हो जाएगा भाई, यूनिट एरिया का मास तो इतना है ना, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान तो इतना है। तो इतनी क्षेत्रफल का, इतनी एरिया का कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सिग्मा बी डी एक्स, ये मास आ गया आपका, ठीक है, इस एलिमेंट का। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जानते हो, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास तो निकल गया, डिस्टेंस आपको पता है इसकी कितनी है, सी सेंटर से एक्स है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, और ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहे हैं, इस एलिमेंट का, ठीक है। और किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, वाई वाई डैश के अबाउट, क्यों, क्योंकि वाई वाई डैश से ही तो डिस्टेंस नाप रहे हो, निकालना तो हमें जेड जेड डैश के अबाउट है इस पूरी लेमिना का, लेकिन वो निकालेंगे बाद में, पहले इसका निकाल रहे हैं कौन सी एक्सिस के अबाउट, वाई वाई डैश के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट है ना, और अबाउट वाई वाई डैश, हाँ नहीं ये वाला, इसके अबाउट निकाल रहे हैं वाई वाई डैश के, ठीक है, अबाउट वाई वाई डैश, ये वाई वाई डैश ही है, ठीक है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो आप, बताओ क्या आएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास कितना है, सिग्मा बी डी एक्स, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, इस एक्सिस से, एक्स, ठीक है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे समझा रखा है, देखो इस तरीके से ध्यान दे दो दोबारा, ये होता है, ये डिस्टेंस होती है ना, ये पार्टिकल जो है ना इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो ये पार्टिकल का मास m है, और इस पार्टिकल की इस एक्सिस के जिसके अबाउट घूम रहा है पार्टिकल, उससे डिस्टेंस r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, i बराबर एम आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप इस पार्टिकल का निकाल रहे थे, तो आपने मास पार्टिकल का लिया था, यहाँ पर आप इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप मास इस एलिमेंट का लेंगे, और इसका मास कितना है, सिग्मा बी डी एक्स, ठीक है। पार्टिकल के देखो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसके और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, तो देखो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इसके तो निकाल रहे हैं, तो इसके और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस लेंगे, कितनी लेंगे, एक्स। तो क्या आएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सिग्मा बी डी एक्स है ना, और इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, अब देखो कुछ नहीं करना, मैंने कहा इसका निकाल दो बस, और फिर सारे का इंटीग्रल कर दो, तो पूरी लेमिना का आ जाएगा, पूरी प्लेट का आ जाएगा। देखो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एलिमेंट का तो निकल गया, अब पूरे लेमिना का निकालना है, ऑफ लेमिना, कंप्लीट लेमिना या प्लेट कह दो, है ना, और किस एक्सिस के अबाउट, वाई वाई डैश के अबाउट निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, अबाउट
एक्सिस वाई वाई डैश, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, वाई वाई डैश के अबाउट निकाल रहे हैं, तो इसे डिनोट कर लें, आई वाई से डिनोट कर लें, ठीक है, आई वाई से कर सकते हैं, क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट होता है उससे डिनोट कर लेते हैं। और है कितना, इस सारे का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन सिग्मा बी डी एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था इस एलिमेंट के लिए निकाल लो और उसका इंटीग्रल कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रल कर दिया इस एलिमेंट के लिए निकाल के, अब इंटीग्रल में डी एक्स आ रहा है तो लिमिट किसके लेनी पड़ेगी, डिस्टेंस की, डी एक्स यानी एक्स एक्सिस के एलोंग लेनी पड़ेगी लिमिट, यानी डिस्टेंस की लिमिट लेनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर सेंटर है यानी यहाँ पर ओरिजिन है, तो इधर चलोगे पूरा तो एल है ना, तो इधर एल बाई टू, इधर एल बाई टू, इधर चलोगे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर माइनस होता है तो माइनस के एल बाई टू कॉमन जीरो, ठीक है, वाई एक्सिस पे तो चल ही नहीं रहे। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का एल बाई टू कॉमा जीरो, ठीक है, जीरो से चल रहे एल बाई टू, तो एल बाई टू कॉमा जीरो, कल की तरह ही है सारा कॉन्सेप्ट है ना। तो लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस पर देखो ये एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, ये वाई के होते हैं, यानी एक्स के निर्देशांक वाई के निर्देशांक, एक्स के निर्देशांक वाई के निर्देशांक। तो x के कोऑर्डिनेट देखो, यानी आप माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक चल रहे हो, तो पूरी लैमिना कवर हो रही है नहीं, इसलिए लिमिट किसके लिए नहीं है, डिस्टेंस की, क्योंकि d के साथ x आ रहा है, यानी डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग अनुदिश। तो डिस्टेंस माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक इसकी लिमिट हो जाएगी डिस्टेंस की, ठीक है। अब आपको पता है, इंटीग्रेशन करो इसका आप, है ना, थोड़ा वीडियो को पोस्ट करके फिर मैं कराता हूँ, है ना। तो मैं उधर से रफ कर रहा हूँ, इतने आप करके देखो, ठीक है जी। तो आप एक बात देखेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं इंटीग्रेशन से, तो कांस्टेंट बाहर निकालो, सिग्मा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है बस, है ना। तो ये हो जाएगा आई वाई बराबर सिग्मा बाहर बी बाहर, और ये बचेगा, देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा लो, कल मैंने बताई थी एक प्रॉपर्टी, है ना भाई, मैंने बताया था माइनस ए से प्लस ए हो लिमिट, तो टू बाहर आ जाता है, टू बाहर आ जाता है और लिमिट हो जाती है जीरो टू ए, लेकिन यहाँ ए की जगह एल बाई टू है, तो इसका मतलब है लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू थी, तो आप टू बाहर निकाल के लिमिट कर दो जीरो टू एल बाई टू, ठीक है। कल समझा दिया था मैंने, कॉन्सेप्ट मैंने बताया सारा वही है। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, आपको आसान लग रहा होगा कल की तुलना में। तो ये 2 है, हाँ इसे एक काम करो, शुरुआत में को लिख लो 2b सिग्मा, ऐसे लिख लो, ठीक है, जेड सा लग रहा है, नहीं तो बाद में लिख के, तो 2b सिग्मा, और ये आपको पता है क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3, भाई इतना तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, को ये तो समझ रहे होंगे, है ना, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 n की जगह 2 है तो x टू द पावर x के घात 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, यानी एक्स क्यूब अपॉन 3। अब आप ये कहेंगे कि इतना तो मैं आता है ना, तो मुझे पता नहीं चल पाता, इसलिए है ना मैं बता देता हूँ। देखो 2b सिग्मा अपॉन 3, ठीक है, 3 बाहर आ गया, x की जगह क्या रखना है, l बाई टू, भाई पहले अपर लिमिट रखते हैं, ठीक है, बीच में माइनस का साइन रखते हैं, x की जगह l बाई टू रखा और सारे का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन लेते हैं, जीरो की पावर 3 हो जाएगी, छोड़ो, ठीक है, यानी पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट। अब देखो आई बाई क्या आएगा, 2/3 मतलब 2/3 बी सिग्मा, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है भाई, 2 2 जा 4, तो आई बाई बचेगा आपका 1/6, 3 2 जा 6, और देखो इसे ऐसे लिख लो सिग्मा बी, है ना, सिग्मा एल इंटू बी, जो एल था ना, हाँ जी एल स्क्वायर नहीं, एल क्यूब आएगा, और ये 4 नहीं 8 आएगा, क्योंकि 3 घात है ना, तो 2 2 4 2 8, तो 2 4 जा 8, ये 4 आएगा, है ना, और 4 3 जा 12, अब ठीक है ना, हाँ चलो। तो देखो एल क्यूब है ये, अब एल क्यूब है तो एक एल अंदर ले लिए, तो बाहर कितना बचा, एल स्क्वायर बचा। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ से एक बात सीखने को मिलेगी आपको, है ना, यहाँ मैंने गलत किया तो आगे चलते ही पता चल गया, क्यों पता चला, क्योंकि अभ्यास हो चुका है, तो अभ्यास जो हो जाता है ना अधिक, यदि आप एक डेरिवेशन को कई कई बार लिख के देख लेते हैं तो कहीं गलत भी हो जाएगा ना, तो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, एक दो लाइन बाद ही, है ना। तो ये अभ्यास
से होता है, इसलिए आप चीज़ों को मैं कहता हूँ ना बार बार, लिख लिख कर देखा करो। देखो तो ये क्यों करा ऐसा, आप समझ गए होंगे यदि आपने कल का डेरिवेशन करा होगा, अभी मैंने आपको समझाया है। देखो ध्यान देना, इस एकांक क्षेत्रफल का जो मास है मैंने सिग्मा माना, यूनिट एरिया का, और इस पूरे लेमिना का एरिया कितना है भाई, एल इंटू एल है ना, इंटू बी। इस पूरे लेमिना का एरिया कितना है, एल इंटू बी। तो एल बी यानी पूरे लेमिना के एरिया के लिए मास कितना हो जाएगा, सिग्मा एल बी। तो ये मास है पूरे लेमिना का, जिसे आप कैपिटल एम मान सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा एल बी को आप क्या मान सकते हो, कैपिटल एम, कल की तरह ही बात है, कैपिटल एम मान लो, सिग्मा एल बी, ठीक है जी। तो देखो ये एम मान लो, तो आई वाई कितना है आपका, 1/12 यानी 1/12 एम एल स्क्वायर, ठीक है, 1/12 एम एल स्क्वायर। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे कराता हूँ इसे, ठीक है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं ये चीज़ें रफ कर देता हूँ बाकी की। देखो अभी हमें करना क्या है, क्वेश्चन में पढ़ो, इसने कहा उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस लेमिना का, जो सेंटर से होकर जाती है। भाई सेंटर से तो ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, और ये भी जा रही है, तीनों होकर जा रही है। साथ में मेन बात यहाँ से कही, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो इसके प्लेन के, लेमिना ऐसे रखी है ना, तो इसके प्लेन के कैसी है ये, परपेंडिकुलर है। यानी आपको जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, आपको आई जेड बताना है, ठीक है। और आपने अभी क्या निकाला है, केवल आई वाई। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे। तो आपको क्या निकालना है, आई वाई, ठीक है। तो साथ साथ नोट्स बनाने के लिए पता मैं क्यों कहता हूँ, मैंने बताया था आपको, एक तो थोड़ा माइंड अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है, और साथ में पता है क्या, जब आप पीडीएफ से नोट्स करते हो ना, तो आपका माइंड बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, लेकिन यहाँ पर आप एक्टिव रहते हो, माइंड वर्क करता है, चीज़ों को समझते हो, तो साथ साथ भी नोट्स बनाते चला करो, है ना, पीडीएफ से और अपनी रफली नोट से, फिर बाद में नोट्स बनाया करो अच्छे से। चलो तो आई वाई यहाँ तक हो गया, समझ में आया। अब देखो हमें तो आई जेड निकालना है, लेकिन आई जेड निकलेगा तब जब हम आई एक्स निकाल लेंगे, और मैंने आपसे बताया कि एक बार यदि मेहनत कर देते हैं तो दूसरी बार और अन्य कार्यों में भी मेहनत वो काम आ जाती है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपने इतनी मेहनत करके आई वाई निकाला ना, तो आपको आई एक्स निकालने के लिए अब इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिमिलरली कर दो, यानी इसी प्रकार आई एक्स बताएं क्या हो जाएगा। देखो एक बात सोचो आप, जब वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो एम, भाई एम तो मास तो पूरी का सेम ही है, तो एम तो रहना ही है, लेकिन जब वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो लेंथ ये वाली आ रही है, समझ गए, जब एक्सिस तो ये वाली है ना, तो लेंथ कौन सी आ रही है, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। अब मुझे बताओ इसी आधार पर, जब आई एक्स लेंगे तो लेंथ कौन सी लेंगे, आई एक्स यानी एक्स एक्सिस के एलोंग, तो लेंथ लेनी पड़ेगी ये वाली यानी ये कितनी है, b, ठीक है। तो l की जगह क्या आ जाएगा, केवल b आ जाएगा, तो ये आएगा 1/12 एम बी स्क्वायर, ये आई एक्स हो गया। अब आपसे ज़रूरी नहीं है कि वो यही कहे कि उस एक्सिस के अबाउट निकालो जो परपेंडिकुलर है उसके प्लेन के, जरूरी थोड़ा है, आपसे ये भी कह सकता है, आपसे ये भी कह सकता है, वो कह सकता है। देखो ये बात तो इन दोनों के लिए भी सेम है कि पासिंग थ्रू सेंटर, ये बात तो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ये भी देखो आई एक्स यानी एक्स एक्स डैश भी सेंटर से होकर जा रही है, और आई वाई यानी वाई वाई डैश भी सेंटर से होकर जा रही है। लेकिन मेन बात यहाँ से मान लो बदल दे, आपसे कह दे अबाउट एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू इट्स प्लेन, जो इसके प्लेन के कैसी है, पैरेलल है, तो आपसे वो पूछ सकता है पैरेलल तो ये भी है और ये भी है, तो आपको आई एक्स आई वाई निकलवा सकता है पैरेलल कह करके, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझोगे तो वो आपसे कितने ही क्वेश्चन बना के पूछे तो आपको तब भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप चीज़ों को नहीं समझोगे ना तो आपसे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, यदि आप चीज़ों को रटोगे तो, है ना। तो क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट को यदि आप समझोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और देखो समय ज़रूर दो फिजिक्स को, भाई आधा घंटे की है ना क्लास आपकी फिजिक्स की है, या आधा घंटे से थोड़ी ज़्यादा, पौन घंटा, लिखने में आधा घंटा मान लो, है ना, एक घंटे का तो आपका काम ये है, तो एक डेढ़ घंटा पढ़ा भी करो, है ना, अलग से, अधिक से अधिक पढ़ा करो, मतलब मैं कम से कम बता रहा हूँ, एक डेढ़ घंटा डेली फिजिक्स पढ़ा करो अलग से, इस क्लास और वर्क करने के अलग टाइम दिया करो, क्योंकि क्लास करना
नोट्स बनाना इसे पढ़ाई में मत गिना करो, ये पढ़ाई नहीं है, ठीक है, ये तो आप सीख रहे हैं, और सीख करके आप यदि उसे घर पे नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये तो सीखना है। तो स्कूल की पढ़ाई जैसे आप पढ़ते हैं या कॉलेज की पढ़ते हैं, तो उसे भी यदि आप पढ़ाई में गिनने लगो तो फिर तो आप कहोगे कि आज तो 8 घंटे पढ़े हैं, आप क्या जरूरत है घर आके पढ़ने की, है ना, आज तो 7 घंटे पढ़े हैं, 6 घंटे पढ़े हैं। तो वो पढ़ाई मत गिना करो, कोचिंग की जो पढ़ाई होती है या जहाँ से आप चीज़ों को सीखते हो, ठीक है। तो आप, मैंने कहा इसके अलावा भी कम से कम, है ना, दिया करो टाइम 1-2 घंटा तो कम से कम, है ना, मिनिमम 1.5 घंटा दो, क्योंकि अब देखो मैथमेटिकल फिजिक्स भी आपकी स्टार्ट होगी जल्दी ही, तो फिर दोनों बुक एक साथ चलेंगी और फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास समय भी कम है। और आगे के लिए सुविधा हो जाए तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, अंतर मन में चाहते हैं ना सब कि हमें अच्छे परसेंटेज मिले, तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास का अब यदि आप थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगा देंगे तो बाद के लिए बहुत सरलता हो जाएगी, है ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो अब इसे बहुत अच्छे से करते चलो, और एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जो मैंने पढ़ा दिया है उसे बिल्कुल घोट दो, है ना, बिल्कुल तैयार कर दो, समझ रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल घोल के पी जाओ, है ना, इस तरीके से समझ सकते हो। चलो, तो ये आई एक्स है और ये आई वाई है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए अब हमें तो आई जेड निकालना है, तो बताएं किसी का माइंड वर्क कर रहा हो तो, बहुत आसान है, क्या करेंगे, आपको थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पता है, ठीक है, क्या होती है, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, जिसे आप लंब अक्षों की प्रमेय कहते हैं, तो उसी को लगाओ और काम हो जाएगा। देखो, तो देन फ्रॉम थ्योरम ऑफ मैंने हाँ देन फ्रॉम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, लंब अक्षों की प्रमेय से, देन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, देखो क्या होती है, मैंने बताया आपसे आई जेड बराबर क्या होता है, आई जेड बराबर होता है आई एक्स प्लस आई वाई। तो देखो आई जेड बराबर आई एक्स का मान रखो, ये रहा 1/12 एम बी स्क्वायर, आई वाई की वैल्यू रखो 1/12 एम एल स्क्वायर, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसे ऐसे रहने दो। तो देखो आई जेड कितना आएगा, ये आएगा 1/12 एम बी कॉमन आया तो बचेगा एल स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल को पहले बी को बाद में लिख लो तरीके से, है ना। तो ये आ गया जी आपका, और यही आपको निकालना था, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था जो लेमिना के प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर है, यानी जेड एक्सिस, और कहाँ से हो जाती है, सेंटर से। तो ये जो एक्सिस है प्लेन के पैरेलल वो परपेंडिकुलर भी है और सेंटर से भी होके जा रही है, तो ये निकाल तो दिया तो डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इन्हें करते रहेंगे आप, बस मैं आपसे जो कह रहा हूँ, जैसे मैंने आज ये कराया, तो आप आज का मतलब जब भी वीडियो देखें, कल देखें, परसों देखें, साथ के साथ मतलब तैयार कर लिया करो चीज़ों को, और वीडियो भी डिले मत करो, है ना, ठीक है, मैं भी डिले नहीं कर रहा, अब तो आपको डेली वीडियो मिल रही है क्योंकि आप लोगों का बड़ा स्नेह है और आपकी आवश्यकता भी है, ठीक है। और जैसा आप कहेंगे उसी के अनुरूप चलते रहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रियाएं पहुंचाया करिए, है ना, और अधिक से अधिक अपने साथ वालों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आपके साथ के लाभान्वित हो सकें, है ना। और जिनकी बड़ी समस्याएं हों या जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ सकते, या कई ऐसे लोग जो ट्यूशन का शुल्क नहीं उठा सकते उसका भार, ठीक है, और कई ऐसे रूढ़िवादी परिवार जो, है ना, गांव से शहरों तक अपनी बेटियों को नहीं भेजना चाहते, या ऐसे लोग जो किसी प्रकार, मान लो गांव से शहर बहुत दूर है, मुझे ऐसे कई मैसेज आए, है ना, वो कोचिंग नहीं पढ़ सकते क्योंकि किराया बहुत लगता है, बहुत समस्याएं हैं, है ना। तो सब ऐसे लोग लाभान्वित होते हैं तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है, ठीक है। तो आप लोग उस तरीके से सहयोग करें उन लोगों का, है ना, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो, ठीक है। तो फिर, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ऑल द वेरी बेस्ट।